अंडरटेकर रिटर्न कर देते हैं रॉकी 30th एनिवर्सरी में, और अमेरिकन बैडास वाले वर्जन में होते हैं अंडरटेकर, जिसमें क्राउड का रिएक्शन बहुत तगड़ा मिलता है अंडरटेकर को। और एले नाइट की हवाई उड़ जाती है, और वो भी खुद रिंग से उड़ जाते हैं जैसे ही अंडरटेकर रिंग में पहुँचते हैं। और एले नाइट कहती है कि मैं उलझना नहीं चाहता अंडरटेकर से, और अंडरटेकर से अगर उलझूंगा तो अंडरटेकर को अंडरटेकर कर दूंगा। तो ये लाइन बहुत सही थी। उसके बाद वो कहती है कि सैटरडे को पता लग जाएगा कि कौन है नया लॉर्ड ऑफ डार्कनेस, क्योंकि एले नाइट होंगे लॉर्ड ऑफ डार्कनेस। ऐसा कह के दो तीन चुटकियाँ दे देते हैं अंडरटेकर को। उसके बाद ब्रे वाइट पीछे से आ जाते हैं, और ब्रे वाइट से डर के एले नाइट रिंग में जाने की कोशिश करते हैं, और अंडरटेकर रिंग में होते हैं तो दोनों तरफ से फंस जाते हैं। अंडरटेकर चॉक स्लैम के लिए जाते हैं एले नाइट के लिए, पर अंडरटेकर छोड़ देते हैं ब्रे वाइट की तरफ एले नाइट को, और एले नाइट को सिस्टर एबिगेल देते हैं ब्रे वाइट, और अंडरटेकर ब्रे वाइट के बीच में आमने सामने स्टेयर डाउन होता है, और टू एंड द सेगमेंट, और अंडरटेकर जाते हैं। तो कैसा लगा अंडरटेकर का रिटर्न?